नमस्कार, मेरा नाम भूमिका नगरकोटी है। इस नाटक पर मैं सूत्रधार, नर्स और आम जनता की भूमिका निभा रही हूँ। इस कोरोना जैसी महामारी पर हमें अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई का संपूर्ण ध्यान रखना है। सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ जैसी जगहों पर जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी बीच हमारे डॉक्टर, नर्स, योगी, सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों ने हमारी बहुत सहायता की है और अपना संपूर्ण योगदान दिया है। हमने इन सभी का हौसला बढ़ाने के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया है। अगर इस नाटक पर हमसे कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। आइए, मैं आप सभी को अपने सहपाठियों का परिचय कराती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वेदिका मेहता है। मैं इस नाटक पर पुलिस की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम भरत कुमार है। मैं इस नाटक में बुजुर्ग आदमी और आम जनता की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा मेहता है। मैं इस नाटक पर सफाई कर्मचारी और आम जनता की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशराज किरोला है। मैं इस नाटक पर आम जनता और सफाई कर्मचारी की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तेजस्वी किरोला है और मैं इस नाटक पर डॉक्टर की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं ललिता इस नाटक पे पुलिस की भूमिका निभा रही हूँ, साथ ही साथ योगी की भूमिका भी निभा रही हूँ। कॉस्ट्यूम ना होने के कारण हमने ऐसा ड्रेसअप किया है, इसके लिए हमें क्षमा करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आसपास की सफाई और हमारे पूरे देश की सफाई और खासकर हमारे घरों की सफाई हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। हम अपने घरों की तो सफाई करते हैं, परंतु आसपास की सफाई और हमारे देश की सफाई का जिम्मा हमारे सफाई कर्मचारियों को जाता है। हमारे सफाई कर्मचारी हमारे देश की सफाई करने में अभी तक जुटे हुए हैं। इस कोरोना जैसी महामारी पर वो हमारे देश की सफाई कर रहे हैं और हमारे आसपास की सफाई भी कर रहे हैं। आइए, आप सभी को उनकी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला स्वच्छ भारत का इरादा वादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, वादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। इस कोरोना जैसी महामारी पर जहां पर हमें अपना पूरा पूरा ध्यान रखना है, वहाँ हमारे पुलिस कर्मचारी अपने परिवार से दूर रहकर गरीब व बेसहाराओं की मदद कर रहे हैं और हमारा भी संपूर्ण साथ दे रहे हैं। आइए हम उनका नाटक प्रस्तुत करते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन होने के कारण गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर रुकी हूँ। अच्छा, कितने दिन से यहीं पे हैं आप? 2-3 दिनों से। अच्छा, नोट करो, नाम क्या है? भूमिका। फोन नंबर? 7456601। ओके, आपका रहने का बंदोबस्त शाम तक कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो कॉल कर लें। जी, हम यहीं पे हैं, यहीं पे ड्यूटी लगी हमारी। जी हाँ, ओके। हेलो। हेलो मैम। यस मैम, मेरे घर में बुबू मैम की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ हाँ, अपना एड्रेस बता दीजिए। पुलिस लाइन मार्गा। ओके, और बुजुर्ग की उम्र? 65 साल। अच्छा, ज़्यादा ही ख़राब हो रही है क्या तबीयत? हाँ, बहुत ही ख़राब हो रही है। हाँ ठीक है, फिर मैं नर्स को वो करके लेके आती हूँ, फोन कॉल करके। ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। आप बिजी तो नहीं थी? हाँ, वो बुजुर्ग आते ही घर में अच्छे कॉल आए थे ना हमें। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन लीजिए।
हाँ इनको भी पहना दीजिए मैम, सैनिटाइजर किया आपने? मेडिसिन नहीं ले ले पाएंगे आप? कमाने वाला कौन है घर में? मैम हम ही थे मैम, वो लॉकडाउन लगने के कारण मैम सैलरी आना बंद हो गया। कंडीशन तो खराब है। चलो फिर मेडिसिन का मैं कर लेती हूँ। और राशन पानी है घर में? मैम अभी पहले का है तो मैम बात कम कर बात तो करनी। ओके राशन और मेडिसिन का देखते हैं। हेलो जय हिंद मैम। जय हिंद वेदिका। जी मैम। तुम यहाँ थोड़ा राशन पानी लेके और मेडिसिन की पिक क्लिक करके मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ। आप मेडिसिन और राशन लेके यहाँ पुलिस लाइन मालगांव आ जाइए। जी मैम। हाँ जल्दी। जी मैम। ओके कमिंग। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। ये आपने मेडिसिन मंगाई थी और राशन? हाँ ये लीजिए, इनको अब खाना टाइम पे देना। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ना ये आप जिस प्रकार हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसी प्रकार हमारे डॉक्टर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स मरीजों की दिन रात सेवा करने में जुटे हुए हैं। वे इतने जाबाज हैं कि वे उन मरीजों की सेवा में दिन प्रतिदिन जुड़े हुए हैं। आइए हम उनकी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। आपकी हालत में तो कोई सुधार दिख नहीं रहा है, तो आप दवाइयां लेते रहिए। यस मैम। ऐसी है, आप ही दवाइयाँ लेते रहिएगा। आपकी मेडिसिन लेते रहिएगा। मेडिसिन से तो इनकी तबियत में कोई सुधार नहीं पड़ रहा, तो एक बार हम योगा का प्रभाव देख सकते हैं। हाँ ठीक है। जिस प्रकार हमारे पुलिस कर्मचारी ने, डॉक्टर ने, नर्स ने और सफाई कर्मचारियों ने अपनी भूमिका निभाई है उसी प्रकार हमारी योगी ने भी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना संपूर्ण समय हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में व्यतीत किया है। आइए हम उनकी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। हम सर्वप्रथम अपना मास्क उतार के साइड में रखेंगे, योगा अभ्यास करने के लिए मास्क उतारेंगे और कोरोना को मात योग के साथ सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। उसके लिए पद्मासन में बैठें, दाया पांव बाएं पांव के ऊपर
अब बाएं पांव दाएं पांव के ऊपर इस तरह से हाथ की नासा मुद्रा बनाएं और अपने नाक में इस तरह से रख लें। बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ें। आंखें बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। सांसों की गति बगल में बैठे व्यक्ति को ना सुनाई दे। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हाथ को ऊपर सांस एक्सहेल सांस छोड़ेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसका अभ्यास आप यहाँ से घर जाने के बाद भी करेंगे। अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए उसी में एक्सहेल इनहेल करेंगे इस तरह से। हाँ, पेट अंदर बाहर, कंधे नहीं लेंगे, बस स्टमक, सांस एक्सहेल इनहेल, आंखें बंद। महसूस करें हमारा पेट किस तरह से कार्य कर रहा है। इसका अभ्यास प्रतिदिन अपने घर में करेंगे। और इनसे ओम शांति शांति शांति। ये तो अब नेगेटिव आ गए हैं, इनका डिस्चार्ज करने का इंतज़ाम करिए। योगा के प्रभाव से ये जल्दी ठीक हो गए हैं और इनसे कहिएगा कि 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहे और योगा करते रहे। जी मैम, धन्यवाद।